पीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी बगावती तेवर जो है वो अपना रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। उमेश जी, उपेंद्र जी चुप रहने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो बैठक उन्होंने बुलाया है, क्या बैठक को लेकर कि आप लोग की भी नज़र है, कार्रवाई होगी इस बैठक को लेकर? अरे बैठक बुलाने का आप जो बोल रहे हैं कि जेडीयू का बैठक, जेडीयू का बैठक क्या, तो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि पार्टी का, कोई भी राजनीतिक दल का अपना संविधान होता है और सभी संविधान में जो है स्वतंत्रता होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होता है और उसमें हमारे पार्टी में अभी हाल के दिनों में ही संगठन का चुनाव हुआ है। पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर, जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हुआ है। अभी ऊपर में न राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई है, न प्रदेश कमेटी बनी, कोई भी पदाधिकारी अभी प्रदेश के नहीं बनाया गया। लेकिन इस तरह के बकवास, बिल्कुल वो बकवास हो रहा है, उनकी बातों को हम लोग नोटिस नहीं लेते, क्या कर रहे हैं। तो हम लोग मान ही के चल रहे हैं कि दल में नहीं है, समझे, और उनकी बातों को, मैंने इतना उनका स्तर गिर गया है, नीचे चले गए, उनके न कोई विचार है अपना, न विचारधारा है, वो तो सिर्फ अति महत्वाकांक्षी के कारण हमेशा ये सब करते रहते हैं। जहाँ अपना उल्लू सीधा नहीं होता है तो ये सब अपनाते रहते हैं। ये तो उनका नीचे अति में है, उनके खून में, कहीं एक जगह टिक नहीं पाएंगे। हमेशा कब, हमेशा ब्लैक करने का काम करेंगे, ब्लैकमेल हमेशा, बिल्कुल हर कोई को ब्लैकमेल, मैंने आप ऐसे समझ लीजिए कि इतना बड़ा अवसरवादी, इतना बड़ा स्वार्थी, इतना बड़ा महत्वाकांक्षी कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ अपना काम करना, अपना, अपने परिवार का, वो कैसे राज्यसभा जाए, वो कैसे MLC जाए, वो कैसे उनकी पत्नी कैसे जाए, कोई खर्च करता। आज भी महात्मा फुले जो बनाए हुए हैं सिर्फ अपने लिए, ना कि महात्मा फुले में कोई कमेटी में सदस्य है उसके लिए। एक भी उदाहरण हमको बता दीजिएगा अभी तक कि उन्होंने जो राजनीति किया है उसमें किसी का एक उदाहरण बता दीजिए जिसके लिए उन्होंने काम किया हो, जिसके लिए वो टिकट भी दिए होंगे तो सब जग जाहिर है, टिकट जो लिया है उसी से पूछ लीजिए। नहीं, अभी हम उनसे बात भी किया है, वो लोग क्या कह रहे हैं, जरा आप लोग उन्हीं से ले लीजिए इंटरव्यू उन लोग का। लगता है कि जो बैठक में जाएंगे उन पर कार्रवाई, पति में नज़र। अरे बैठक में जाएगा ही नहीं, ये तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संघर्षों का पार्टी है, उस संघर्ष उपज की पार्टी है। यहाँ सब ठोक ठकाए हुए हैं, एक भी ऐसा ये जो है इसमें से कोई हिला नहीं सकता है, एक भी इसमें से ईंट खड़का नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि संघर्षों की पार्टी, उपेंद्र जी कह रहे हैं कि जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार जी की है ही नहीं, वो सरा जनों की पार्टी थी, नीतीश जी ने उसको हथिया लिया। अरे जिस आदमी के बारे में आप कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके गोद में जाकर खेल रहे हैं, ये अभी बुझने की बात है, क्या क्या हो रहा है ये समझने की बात है। जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ कल्याण होगा। एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं जो उनको विरोधी दल नेता बनाए, समझे, उन्हें राज्यसभा भेजा, उन्हें यहाँ ला के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए और उनको चेयरमैन, अभी MLC बना के चेयरमैन बनाए, समझे। क्या आपको इतना सम्मान देने वाला व्यक्ति के ऊपर आप बोल रहे हैं, तार तार कर दिए। कोई भी बात हो तो प्लेटफॉर्म पर कही, लेकिन आपने तो प्लेटफॉर्म पर नहीं किया। आप क्या चाहते हैं मनसा झलकाइए, आपको क्या डील हुआ है अगला से वो झलकाइए। वो तो आप लोग के डील के बारे में पूछ रहे हैं। अरे हम लोग के डील, हमारा डील जो है ये जो है महागठबंधन का जो डील है, बस कॉमन मिनिमम कार्यक्रम बनाकर बिहार को विकसित बनाने का, बिहार को एक ऊंचाई देने का, और उनके नेतृत्व में, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार जो है ना, बिहार ही नहीं, आज तो देश एक उम्मीद और आशा के साथ नीतीश जी को देख रहा है। पहले वो बोलते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी पर सीधा जो हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पार्टी को हथिया लिया, सरोज यादव जी देखिए आप लोग ही उनको भाव बढ़ा दिया है मार्केट में, सच तो ही है। मीडिया वाले अभी आप लोग को मिल नहीं रहा है मटेरियल, समझे, ऐसे ऐसे लोगों को नोटिस, हम खुद नहीं नोटिस नहीं लेते, हम लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बकवास है, उस आदमी के बारे में कुछ पूछिएगा ये तो होनी होगी। मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, वो तो थूक बिक रहे हैं सूरज पर जो थूक बिकते हैं उनको खुद भी मतलब मैंने अपने शरीर पर गिरता है। इतना विकास पुरुष के बारे में जो सारा दुनिया उनको लोहा माना है, उनके विजन को ना, जो वो बोल रहे हैं, जिसका जीवन अंधकार हो गया था वो बोल रहे हैं। अच्छा, उपेंद्र जी के साथ और भी कई लोग हैं जो उनके साथ है, रामेश्वर महतो जी भी। अरे छोड़िए ना, वो लोग जो है सुरक्षित करवाए ना पहले,
जो लोग को आशा नहीं है कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे नेता तो समय पर सबको देखते रहते हैं, सम्मान देते रहते हैं, वो सम्मान पाकर दिखाए ना। हम तो खुद कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को कि आप भरम तोड़ लीजिए, आप तो लड़े ही 15 में 5 में 20 में, आप तो कहाँ कहाँ गए हैं, माहिर हैं इस चीज करने में, तो आप खुद अब जाइए ना, वो उनके गांव में भी जाइए, पंचायत में उनके गांव में जाइए, जिस वार्ड में उनका घर है उस वार्ड में जाके आप लोग लीजिए इंटरव्यू। करें कि कुशवाहा के समाज का बड़ा वर्ग, छोड़िए ना कुशवाहा का समाज की बात, कुशवाहा समाज का पुश्तैनी घर घर जनता दल यूनाइटेड है, यहाँ पूरे हक के साथ रहता है, आप जानते हैं यहाँ 17-17, 18-18 सीट पर चुनाव लड़ता है, 3-3 हमारे अभी MP हैं, हैं? कौन पार्टी है जहाँ हमारे मान की कुशवाहा इतना है? आप तो देखें क्या हाल के दिनों में जगदेव जयंती मनाया गया है, सभी लोग उसमें आए थे, शिरकत किए थे, कौन चेहरा उधर है? उस आदमी को बारे में जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो किसी का हुआ है क्या? वो सिर्फ अपना है, नहीं तो अपना पत्नी का हो भी अपना अगला हम क्या बोल सकते हैं? कुछ ऐसा नहीं आप लोग बोलवाइए, बहुत बात बोलने के लिए है, हम बोलना नहीं चाहते। उस आदमी के पास नैतिकता नाम का कोई चीज़ नहीं, लेस नैतिकता जो है वो भी नहीं है। यदि होता तो आप झुंझुन्ना बिक देते, जो आप झुंझुन्ना कर रहे हैं, अरे आप कितना गरिमा ठेस पहुँचता होगा माननीय लोग को, कि माननीय जिसके लिए ललायत रहता है पूरा जिंदगी गुजर जाता है, चुनाव लड़ते लड़ते थक जाता है, आप उसको कहते झुंझुन्ना मेरे लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, हमेशा तो क्यों लिया आप, किसी क्यों नहीं बनवा दिया आप किसी को? शर्मानी चाहिए आपको, बोलते हुए शर्मानी चाहिए उस आदमी को, क्यों नहीं लिया पद? आप काहे लिया पद? आप दे देते, शर्म तो और आ रहा है कि आप बोल रहे उसी पद पर रहकर, हद कर दिया आपने। इस्तीफा देने चाहिए जल्द से जल्द। अरे हम क्यों मांगे इस्तीफा? हम तो उसको देवे कर दिया है, हमारी पार्टी हमारे नेता ने देने का काम किया है, आप खुद सोचो ना कैसा आप बेशर्मी हो से, खुद सोचो। ठीक, धन्यवाद। लगता है कि संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष वो नहीं है, मतलब वो दावा, अरे अभी तो पिछले बार तो संसदीय बोर्ड थे, अभी तो कमिटी का चुनाव मैंने गठन ही नहीं हुआ है, नहीं आप खेला करने लगे, कहाँ से डील होते हैं, क्या करते हैं सोची, आगे भी एक्सपोज करेंगे आप लोग, बिल्कुल सब चीज 2005 से 2000 से क्या किए हैं, फर्स्ट बार हमारे यहाँ से गए हैं जदयू छोड़ के, क्या क्या किए सब चीज हम लोग के पास है, लेकिन इंतजार करिए, धन्यवाद। बिल्कुल, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इन्होंने दावा किया है कि उपेंद्र कुशवाहा के तमाम मामलों पर हमारी नज़र है और आने वाले समय में पार्टी जो है एक्सपोज भी करने का काम करेगी। उमेश कुमार कशिश, पटना।